आंटी आपको नहीं पता सारे सामान एक ही डस्टबिन में फेंकने से हमारे नेचर को बहुत हार्म होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वेस्ट तो वेस्ट होती है। आंटी मैं आपको बताता हूँ, जो वेस्ट हर रोज घरों से निकलता है उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एनिमल्स की लाइफ को भी खतरा होता है, बीमारियां भी फैलती है और गंदी बदबू भी आती है। हमारे एनवायरमेंट में दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक ड्राई वेस्ट और एक वेट वेस्ट। जो हमारा किचन का वेस्ट होता है जैसे बचा हुआ खाना, वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, ये सब हमारा वेट वेस्ट होता है, ये सब बहुत आसानी से गल जाता है। हाँ यह तो मुझे पता है, आपके कहने का मतलब ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आप बिल्कुल सही, लेकिन आपने डंपिंग पॉइंट्स पे दो अलग अलग कलर के डस्टबिन देखे होंगे। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पत्ती और फल फ्रूट के छिलके ग्रीन में डालूंगी और ब्लू में डालूंगी रद्दी, प्लास्टिक बोतल, पेपर। अंकल अंकल रुक जाओ। क्या हुआ बेटा? ये सूखा कचरा है जो इसके लिए नहीं बल्कि इस डस्टबिन के लिए बनाया है। ये किसमें डालना है? हाँ सर, आपको ये वेस्ट किसमें डालना है? समझ में आ गया, मैं सभी को समझ। अंकल प्लीज स्टॉप, आप अपने ग्लासेस इस डस्टबिन में नहीं डाल सकते। क्यों? अंकल ये सूखा कचरा है, ये फिर से इस्तेमाल हो सकता है, हमें इसको नीले वाले डस्टबिन में फेंकना है। जो हरा डस्टबिन है उसमें जो चीजें फिर से इस्तेमाल नहीं हो सकती हमें वो फेंकनी है। थैंक यू बताने के लिए, मैं ध्यान रखूंगा और बाकी लोगों को भी बताऊंगा। वी आर द चेंज, वी आर द चेंज।